Hey, it's good to see you too. ये होना ही था, वो एक शॉट में तो मार पा रहे। अरे नहीं, बट फट रहे यार ये भी। अरे ज़ॉम्बी बन गया, एक ज़ॉम्बी बन चुका है। हेलो बंच फैमिली, कैसे सभी लोग। डाइंग लाइट 2 के और एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अगर आप सभी लोगों को पार्कोर और ज़ॉम्बीज वाले गेम अच्छे लगते हैं, तो इस गेम के अंदर अनलिमिटेड पार्कोर और उसके साथ साथ अनलिमिटेड ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से कुछ ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये वाला गेम प्ले आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और फटाफट से याद कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या करा था। तो हमने सबस्टेशन के जनरेटर को चालू करके थोड़े बहुत रेनेगेड्स को मार के उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए शुरुआत कर दी। लुवान ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ मौत है, बट फिर भी एडिन उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो गया। ब्लैक मैट ने हमें बताया कि ऊपर जाके हमें ट्रांसमीटर को ऑन करना है, जिससे इस शेयर के रेडियो एक्टिव हो जाएंगे और इसका यूज करके हम एक दूसरे से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। बट जैसे ही हम उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे वोलेटाइल मिलते हैं। वैसे भी रियो का दोस्त लियोन वहाँ पर ही मर चुका था, बट उसके पास से हमें एक लेटर मिला है जो उसके बीवी को भी हमें देना है, बट वो हम बाद में देंगे, वो साइड मिशन है। हमारे मेन मिशन के अंदर तो हम इस बिल्डिंग के अंदर कुछ पीकेस के साथ चले गए थे, और उसी समय वहाँ पर ब्लोअर्स, मतलब वो फटने वाले ज़ॉम्बीज, इसका नाम पता नहीं इस गेम में क्या है, बट वो अचानक से आते हैं और फट जाते हैं, और उनका कमांडर हमें धक्का देकर उस लीफ के अंदर फिर से भेज देता है। वहाँ पर ही एडिन फिर से बेहोश हो जाता है। अब मुझे पता नहीं है यहाँ पर पीके के कितने कमांडर बचे हैं, वो तो हमें आज के गेम प्ले के अंदर पता चलने ही वाला है, बट उसके साथ साथ आज हम इस खतरनाक सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे फटने वाले ज़ॉम्बीज के साथ साथ खतरनाक लेवल के ज़ॉम्बीज भी है, और उसके साथ साथ वोलेटाइल्स भी है। तो अपने गेम प्ले को शुरू करने से पहले, अगर आप सब लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अरे वहां पर तो ज़ॉम्बी फटेगा ये। अच्छा, उससे पहले ही मार दिया, और भी ज़ॉम्बीज आ रहे। अरे बाप रे, आई डोंट नो यहाँ पर कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, बट यहाँ से दो दो आ रहे हैं। चलो एटलीस्ट सीजन को वो एक शॉट में तो मार पा रहे। अरे नहीं, बट फट रहे यार ये भी। शिट भाई, ये फट रहे फिर भी भाई, अब भी गेम चालू करा है। शिट, और भी आ रहे। रुक जा, दो मिनट रुक जा, संभाल ले दे यार। कितना डॉज कर रही है, दो मिनट भाई, दो मिनट। वो आ रहा है और एक। एक सेकेंड रुको, दो मिनट रुको, मुझे हील करने दो बस, फटाफट से हील करो, हील करो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। थोड़ा सा और। तो फाइनली हम अपने गेम प्ले के अंदर आ चुके हैं, और आप सब लोग देख सकते हो आते ही हमारे ऊपर अटैक होना शुरू हो चुका है। मुझे पता नहीं और कितना टाइम है अपने पास, बट जितना हो सके उतना हमें यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा खुद को। और एक सेकेंड, हमारे हथियार थोड़े से चेंज करे जाए, और भी आ सकते हैं यहाँ पर, और यही रखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखा जाए पहले तो। अच्छा, हमें इन सब को ढूंढना पड़ेगा, चलिए तो इसको टपकाते यार, ये कुछ ज़्यादा ही पॉइजन छोड़े जा रहा है। ये खा गया, निकल तेरी तो, फाइनली ठीक है। चलो यहाँ पर जितने भी सिपाही मरे, यहाँ पर कौन बचा है या नहीं वो भी देखा जाए। ये शायद से ना, ये तो नहीं है, ऑलमोस्ट सबके सब मर चुके हैं।
जितनी भी चीजें मिल रही है सबको उठाया जाए, बिकॉज हमें ये सब की जरूरत लगने वाली, मतलब स्पेशली हमें इनकी तो जरूरत नहीं है, बट देखना पड़ेगा कौन बचा है कौन। अरे ये तो यही था ना जो हमने स्टार्टिंग में भेजा था, विश्वासकी। हाँ विश्वासकी, ये इसका नाम था। तो एक्चुअली इसको हमने सबसे पहले भेजा था और जाते ही मर गया वो, उसको भी पता नहीं चला वो कैसे मरा, बिकॉज वो आते ही फट गया जिसे अभी फटा था थोड़ी देर पहले ही। ये नाइफ वगैरह उठा लेता हूँ, ये काम आएंगे, और मुझे पता नहीं कोई जिंदा बचा है नहीं बचा है। बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं, मुझे यहाँ पर कोई भी जिंदा दिखाई नहीं दे रहा है। Jack, you there? There's been an attack. Only I made it. Fuck. No, Endro? I don't know. I don't see him. Aiden. Ro had the transmitter. Locate it. It's our only chance. It's no time to mourn. You must find Ro. We'll get you help as soon as the elevators are back up. I'll do what I can. चलो मुझे रॉ को ढूंढना पड़ेगा पहले तो, बिकॉज वो हमारे साथ आया तो था, बट उसकी सारी टीम यहाँ पर ही खत्म हो चुकी है, और उससे पहले सारे ज़ॉम्बीज फिर से आ जाए यहाँ से, फटाफट से निकला जाए। ये तो सिर्फ पहला यार, पहला ही यार ये तो फ्लोर, बट अभी से ही हमारी वाट लगना शुरू हो चुकी है। यूरो शायद से यहाँ पर कहाँ तो होगा, मुझे बस ढूंढना पड़ेगा, तभी दरवाजों के ऊपर चेकआउट करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पर, रो यहाँ पर छुपा हुआ है। You survived. I thought you were dead. They fucking wish. You'll pull through, Ro. Just hang in there. Well, I will. The transmitter? Matt said you have it. I do. You can't lose it, Aiden. You can't. Here. The transmitter. Aiden. Don't you... think you should wait for that potato medal I promised you? What? You withdrawing my commendation, Lieutenant? Oh, shut up. It's just... our dog tags. Don't let my boys be forgotten. If you see a fallen man... please take his tag. They deserve it, son. So finally, Raw भी मर चुका है। बहुत अच्छी तरीके से लड़ा है Raw। बहुत सारे zombies को मारा इसने। और specially वो blast से बच गया। Juan, I'm in trouble. The PKs are all dead. I warned you. If you get yourself killed, I swear I'll come in there and find a way to bring your lifeless corpse back to life just so I can kill you myself. Spare me the lecture, okay? Just come down from there already. I'm not coming down. I need to get higher. I'm gonna find a way up. Fine. I'll wait. अबे कहाँ से आवाज आ रही है? I don't know किस चीज की आवाज आ रही थी। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है सीरियसली। चले यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और fuck, it's locked. लुआन ने, I'm stuck here, Luan. I need help. I'll get Frank. Hurry. ठीक है, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और ज़ॉम्बीज़ आते जा रहे फिर से। Juan? Juan? Did you get Frank? अरे ज़ॉम्बी बन गया, एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अरे बाप रे, बोले कैसे ये सब खोलो? Yeah.
एडिन पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था और उसको पता है अब शायद से कि किन किन ज़ॉम्बीज़ को उसने मारा होगा। हम घेर चुके थे पूरे ज़ॉम्बीज़ से और इसका पूरा एक्सेस मेरे पास था अभी। एडिन, एडिन, I've got Frank here. At least what's left of him. Aiden, where are you? The 30th floor. The infected. They blew up. I told you. Frank? Wait! Where are you going? You're as good as dead, Luan. I'm sorry. This is where I lost all my night runners. I'm not going through that again. He's not dead yet. He's there and he needs you. He needs a coffin. That's what he needs. Frank, you smelly old alcoholic cunt. Why don't you fucking get a grip on yourself and step up for once? तो यहाँ पर लुवान हमारी मदद तो करना चाहती है। Some of our equipment should still be there, in the elevator shaft, one or two floors above you. चलो, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। यहाँ से ऊपर जाना हमें पड़ेगा। कहाँ से जा सकते हैं ऊपर? यहाँ से? अच्छा देखो यहाँ पर एक रास्ता भी है, खोला जाए इसको। लिफ्ट से रास्ता होगा, चलते हैं यहाँ से। अब हमारा सामना होने वाला है इस ज़ॉम्बी से। हम इसके ऊपर तो आ चुके हैं। अरे यार एक सेकेंड, वहाँ पर कुछ तो था, मुझे वो लेना है। अच्छा ये चीज़ मुझे कुछ तो अच्छे से समझ नहीं आ रही है, क्या है? ओह फ्रैंक, I think I found it. What's it for? It's a grappling hook. अरे बाप रे! So what? We'll help you climb. Aim it at something it can attach to and shoot. Try to use it to get onto the terrace. Let me know once you've done it. Okay. तो चलो गाइस, पहले पैराशूट था, अब हमारे पास आ चुका है ग्रैपलिंग हुक। इसको यूज कैसे करना है प्लीज मुझे दिखाओ। अच्छा दिखाया जाएगा। तो अच्छा ये इस तरीके से काम आता है, ठीक है समझ गया। चलो तो पहले हमें इसको इक्विप करना पड़ेगा किसी जगह पर, तो इसको इक्विप करते इसकी जगह पे, ठीक है। अब फटाफट से इसको यूज करा जाए। ये बढ़िया है, ये पसंद आया भाई अपने को। हमारे नीचे छोड़ देते हैं। नाइस, सही है। चलो लॉकपिक का यूज करके इसको खोला जाए। इसके अंदर से वेपन तो कुछ अच्छे मिलते नहीं है, पर ठीक ठाक चीजें मिल ही जाती हैं। ठीक है चलो हमें यहां से निकलना है। और इतना अच्छा है कि एटलीस्ट इसकी Sure you are. It's simple, but it can save your ass. Where to now? Where you were headed, Aiden, upstairs. You have to go up one level. From there, you're gonna go to the side wing. Right to the side wing? The main wing is full of infected. Go. You have several floors to climb. अच्छा तो प्रैंक हमें बता रहा था कि दूसरी साइड जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इन्फेक्टेड लोग हैं, बस एक जगह पर है, एक साइड ऐसी है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड नहीं है, तो हमें उसी जगह से जाना पड़ेगा अगर हमें बचना हो तो। बिकॉज अभी ज़ॉम्बी बनने से पहले बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमारे ऊपर अटैक करा था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज ही यहाँ से निकला जाए यार, फटाफट से पहले तो पहली फुर्सत में निकलते हैं। इनहिबिटर कंटेनर, पकड़ ले
पकड़ ले बस, यस फाइनली। आई डोंट नो वो कुछ ज़ॉम्बीज़ कूदे भी होंगे या नहीं, बट यहाँ पर मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे कोई। तो हमें ऊपर चढ़ना है। अच्छा रुको रुको रुको, कोई तो सीन है। चलो इस तरीके से हमें झूला झूल कर यहां से निकलना पड़ेगा। ओके चलो बहुत बढ़िया, मतलब ठीक ठाक ही चल रहे अभी तो फिलहाल। चलो ऊपर फटाफट से, इस बिल्डिंग से हमें कैसे भी करके एस्केप करके निकलना पड़ेगा। और हो सके तो यहां से जिंदा बचना है। और यहां पर मुझे तीन इनहिबिटर मिलने चाहिए, नहीं तो भाई सच में एक एक की बुद्धि तोड़ दूंगा मैं। ये वाला मिशन सबसे खतरनाक वाला मिशन है। यहां पर कोई है? अच्छा देखो यहां पर मुझे एक थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है। ये ऊपर में ही है, आवाज है तो कोई नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पर यूवी लाइट से, नाइस, तो मतलब ये सेफ जोन है। चलो फटाफट से इसको खोला जाए। फाइनली हमें तीन मिले यहाँ से, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं लगाने वाला हूँ अपने हेल्थ पे, बिकॉज अभी फिलहाल मुझे हेल्थ की बहुत ज़्यादा जरूरत है यार। ज़ॉम्बीज़ मारते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तकलीफ हो रही है एडिन को इससे। अच्छा देखो लुवान और फ्रैंक ने, दोनों ने हमें बहुत बुराई सुनाई है, बिकॉज लुवान ने हमें पहले भी बताया था कि भाई ये सुसाइड मिशन है, तू यहाँ से बच नहीं पाएगा। बट एडिन अपनी ऐसे ही चल रहा था। I'm on a terrace. Cool. You see my canteen? Yeah, you bet. Looks really tidy from here. Cool. Now open your paraglider, jump and fly to the fisheye. See you there. What? Time to end this madness, Aiden. You have a paraglider. Get out of there while you still can. Frank, I need to go up. You said you'd help me. Better trained men than you have died there, Aiden. I won't lead you to your death. Frank, I'm going up. With or without you. Are you too drunk to realize that? Luan told me about your sister. She must be dead by now. But you're alive. And if you come down, you'll stay alive. Fuck you, Frank. We're done here. I'm going up. तो एडिन ने फ्रैंक की बात ना मानकर मे भी शायद से गड़बड़ कर दी है। I won't leave you on your own. You're talking to a dead man, Luan. I'm coming to you. Wait for me. You what? No, no way, Luan. Luan? अच्छा चलो हमें वहां पर जाना है, बट वहां पर कैसे जाए? एक्चुअली ये बहुत बड़ी जंप हो जाएगी फिर। तो हमें बचाने के लिए शायद से लुवान भी आ रही है, बिकॉज एडिन मानने से रहा और एडिन नहीं मान रहा है। अच्छा देखो वहां पर जाना है हमें, बट वहां पर जाने के लिए अगर ये वाली क्रेन यहाँ पर आ जाए तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा। Jack, we restored the power to most of the building, but the elevators are still a problem. How does it look your end? I'm on the top of the second tower and wondering how the hell I get back to the main building. Wait, before the fall. चलो मैंने इस क्रेन को एक्टिवेट कर दिया है, अब ये हमारे लिए रास्ता बना देगी। चलो वी आर रेडी। चलो बहुत बढ़िया। तो एडिन ने लुवान की बात भी नहीं मानी है और इवन फ्रैंक की भी बात नहीं मानी है। फ्रैंक बता रहा था कि तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम मर जाओगे। वैसे फ्रैंक ने तो बात, मतलब एडिन ने तो बात नहीं मानी है, वो अलग बात है, बट उसके साथ साथ मे बी फ्रैंक लुवान को बोल रहा था कि भाई ये मरने वाला है, इसके बारे में मत ज़्यादा सोच। तो देखेंगे किस तरीके से हो सकता है, बट हमें बचाने के लिए लुवान आ रही है। अब पता नहीं क्यों आ रही है, अदब हमें ऊपर जाना है। चलो रास्ता मिल गया।
एडिन बहुत जद्दी यार, इस वीएनसी टॉप पर उसका चढ़ना ही है। स्टैमिना बहुत ज्यादा लो हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा हर बार। चलो असल में ये बिल्डिंग जो है ये पूरी शायद से बिजनेस वाली थी, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। बट अब एडियन पीछे हटने नहीं वाला और वो इस बिल्डिंग के अंदर चढ़कर ही मानेगा। बट देखते हैं, यहाँ पर फिलहाल तो यूवी लैम्प्स है तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई मतलब मारने के लिए तो नहीं आएगा, बट फिर भी डर तो लगा रहता है यार। अच्छा तो यहाँ से जाने के लिए हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, पहले तो ऊपर जा रहे हैं ना हम, इस टावर के टॉप पे जाना हमें। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टॉप पे जा सकता है एडिन, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, स्पेशली ब्लोअर्स जो फटते हैं। अच्छा ये डबल जंप बहुत बेस्ट है, ज़ॉम्बीज यहाँ पर बहुत सारे ब्लोअर्स हैं। अच्छा देखो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। ओहो जगन्नाथ भी यहाँ पर, इनसे बचकर हमें निकलना है। अच्छा देखो यहाँ पर बहुत सारे चाकू है, इवन अगर मैं उनको उड़ाना भी है ना तो हम यहाँ से उड़ा भी सकते हैं इनको। तो यहाँ से तो रास्ता नहीं है, तो हमें पीछे के साइड से जाना पड़ेगा। यहाँ से भी रास्ता नहीं तो फिर, अच्छा यहाँ से रास्ता है। Hanging in there, Aiden. Hanging, jumping, and climbing, whatever it takes. It will be worth it, Aiden. Communication is everything. अच्छा फ्रैंक ने फिर भी हमें थोड़ा सा जोर दिया है कि कम्युनिकेशन चालू रखना। चलो बहुत बढ़िया, अभी फिलहाल के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से जा तो रहे हैं, बट आई डोंट नो आगे में क्या होगा। ड्रॉप करते हैं, बहुत बढ़िया। एडिन फिलहाल तो सही से जा रहा है अभी के लिए तो, बट आगे में पता नहीं। अच्छा देखो ये वाली जंप थोड़ी सा नहीं ज़्यादा इजी है। चलो बहुत बढ़िया, अभी फिलहाल के लिए सब कुछ सही चल रहा है, आगे में पता नहीं क्या हो सकता है। Fucking asshole. If anything happens to her, it's on you. Yeah. It's all your fault. Go ahead and do your suicide mission. But leave her out of it. I didn't ask her to come. I'll radio and talk her out. Forget it. She turned off her radio. I guess I said a few things too many and fuck. Fortunately, I warned Matt and the PKs won't let her in. Listen, I'm near the top already anyway. Even if she did make it, it'll all be over by then. You're where? On top of the building? You motherfucker. I didn't fucking believe you'd make it. But holy shit, you will. Frank bhi shock mein hai because Aiden ne ye sari cheeze karke dikhai hai. एडिन इस टावर के टॉप में आ चुका है, बट फिर भी अभी सफर बचा है तो इस सफर को पूरा करा जाए। पकड़ ले बस, यस फाइनली। अगर एक गलती हमें थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, तो यहां से बहुत सीधी सीधी निकलना है। चलो इजी है, इजी पीजी, बहुत बढ़िया। स्टैमिना बस ध्यान रखना है स्टैमिना के ऊपर। तो फाइनली हम थोड़ा बहुत टॉप पे आ चुके हैं। On your mission. Radio New Hope. Imagine. अच्छा देखो वहाँ पर क्रेन भी है। Unity. Bring in people together. Giving them hope.
Yeah, well, I was a hopeless romantic in my younger days. What can I say? तो अब फ्रैंक ये भी बता रहा था कि उसके होप्स क्या है, होप्स क्या होता है एक्चुअली, वही चीजें चल रही थी अभी फिलहाल को तो, बट मुझे इसके सेंटर से जाना पड़ेगा अदरवाइज और भी दिक्कत हो सकती है। बट आप सभी लोग देख सकते हो एडिन कहां पर पहुंच चुका है, इस सिटी के पूरे टॉप में चल रहा है अभी फिलहाल एडिन। ये वाला हमारा सबसे खतरनाक वाला पार्कोर है अब तक का, और एक भी बार मैं यहां पर मरा नहीं हूं। चलो चलो फाइनली, चलो गाइस अब मौका आ चुका है हमारा थोड़ा सा ऊंची छलांग लगाने का। लो भाई मजेदार है यार ये, बहुत बढ़िया। एडी ने शायद से करके दिखाया है। ओ नहीं अभी तो और भी है। अच्छा चलो यहां से चढ़ना पड़ेगा, चलो थोड़ा सा जंप करके करके जाना पड़ेगा, स्लीप करना पड़ेगा हमें। चलो फाइनली अब यहां से ये वाला पार्कोर भाई सबसे बढ़िया था अब तक का। मजा आ गया भाई इस गेम को खेलकर। चलो हम टॉप पे पहुंचने ही वाले, बस हो ही गया। चलो फाइनली पकड़ लो, बहुत बढ़िया, और हम फाइनली टॉप पे पहुंच चुके हैं। A solid plan. We could really activate this transmitter. Yeah? How? The army used to control that tower. I have a transmitter here that can tap into their signal and take over their broadcast. So all we'd have to do is activate the sector antenna. अच्छा देखो फ्रैंक हमें बता रहा है कि उसके पास एक प्लान है। अगर हम इसको ये एक्टिवेट कर देते हैं तो इस ट्रांसमिशन को कनेक्ट करके हम पूरे विलेज को कनेक्ट कर सकते हैं। प्लान तो सही है बट देखते हैं किस कितना दम है इस प्लान में। और सॉरी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो चुका हूँ इस गेम के अंदर, तो ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं ज़्यादातर पूरा गेम खेलने में लगा रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए हमें बम्बू से चढ़ना पड़ेगा या फिर कहाँ से, बिकॉज मुझे दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और ये घूम नहीं रहा है एक्चुअली। अच्छा इसको पकड़ नहीं सकते इस तरीके से, चढ़ना पड़ेगा फिर। ओ नाइस, चलो इसको एक्टिवेट करा जाए पहले तो। I met the transmitter. What's next? Good. Good. Now throw the switch and that's it. भाई एडी धीरे। It worked. Great. And listen, been thinking. Radio New Hope is still an option, but it's your choice. Juan gets what he wants and gives me what I want. The way to find Mia. The truth about her. Sometimes our choices are bigger than ourselves. Sometimes the things we do, they matter. I'm not gonna try to convince you. You got the transmitter working. It's your call. तो देखो हमारे पास एक चॉइस है, हम अपनी खुद की परवाह करके दूसरों को कुर्बान करा जाए या फिर दूसरों को दूसरे के बारे में सोचकर खुद को कुर्बान कराया जाए। तो देखो हम जॉन को भी दे सकते हैं ट्रांसमीटर, बट वो हमारी मदद करेगा मिया को ढूंढने के लिए, बट पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। बट अगर हम फ्रैंक को देते तो ये चॉइस उसकी रहेगी और वो कॉल करेगा सबको, ठीक है? तो हम फ्रैंक को देते हैं। फ्रैंक, what kind of music did you used to listen to? What? I'm wondering what kind of music you'd play on your radio station. Don't tell me it'll just be you talking all the time. If so, I'm changing my mind. You motherfucker! I can't believe it. Thank you, Aiden. Thank you so much. You have no idea.
any kind of music, anything you want. Aiden, something's gone wrong. We can't detect the transmitter signal. The people need this antenna more than you do. What? Aiden? What have you done? You'll hear soon enough. And let's hope Frank's still got it. Frank? You handed control of this antenna to that washed-up drunk? I can't believe it. I'll take it back. I promise. Yeah, good luck climbing the building yourself. Aiden, and I thought we were becoming friends. Sorry, Jack. I made my choice. So, ye jo transmitter ka connection, usne directly. Acha ye hone dete. Good day, Philidor. So, survivor ke paas aane ke baad hame gaana sunne ko milne wala hai bahut saalon ki baad. लोग एंजॉय कर रहे हैं। I'll be back soon with another message of hope. Meanwhile, enjoy the music. Don't fall asleep. Don't close your eyes. You made it. Hey, it's good to see you too. ये होना ही था। Don't ever fucking do that again. Hey, where did that come from? You owe me one. Soles of my sneakers nearly tore off trying to get to you. I'm sorry? Sorry? I thought I'd be scraping your guts off the fucking pavement, and you're sorry? Juan, I don't believe it. You were actually worried. Shut up! Like I said, you owe me. My sneakers are ruined. I can literally feel the concrete scraping my feet. We need to get me a new pair. अच्छा देखो लुवान यहाँ पर आ चुकी है, मुझे पता नहीं किस तरीके से आ चुकी है, बट लुवान आते ही हमें एक झापड़ मार देती है। वो सही बात है, एक्चुअली लुवान ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी एडिन को, बट एडिन मानने से रहा, तो एक झापड़ तो बनती है। अच्छा देखो यहाँ पर लुवान आते ही पहले तो बताती है कि उसके जूते छिल गए, उसकी वजह से उसके पैर भी छिल रहे, तो हमें उसको पैर देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो यार, लुकिंग फाइन। You sure we don't have more important stuff to do? If it was their looks I was worried about, I would have trashed them ages ago. I risked a trickier route to get to your sorry ass faster, but the wind blew me into a broken banner. Fucking spikes were nastier than they looked. They were my last pair of intact shoes, Aiden, my soulmates in this dirty revenge-seeking business. Without them, I'm... Look. So... Let's go. You want to go shopping for new sneakers now? Is this some kind of joke or? Do I look like I'm joking? The one. You said. Shit. ये लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ है यार. The one. It's not a sign of weakness to say you were worried. Can you at least tell me where we're going? Aren't a lot of shoe stores open in the area, I bet. हमें इसको नए जूते लेके आने पड़ेंगे, तभी ये मानेगी, नहीं तो नहीं होने वाला भाई। There's a place. Some of my old stuff might still be there. I thought all your stuff was at the fisheye. But I guess that's not where we're going. Just shut up and follow me. अच्छा चलो, अभी हम जाने वाले सीधे सीधे लुवान के घर पे। अब ये कहाँ जाने वाला है, लोकेशन यार किधर गई है, दिखाई भी नहीं दे रही। अच्छा देखो चलो, हमें लोकेशन मिल चुका है, चलते अब यहाँ से। एक नया कॉम्बैट स्किल भी मिला है हमें, देखा जाए इसको। Is Frank happy I gave him control of the tower? I didn't have a chance to talk to him yet. I hope it was worth it. Cause you lost your chance to find Mia? Yeah. Don't worry. We'll figure this out. Now, let's just get my sneakers back. Back? Were they stolen? The one? If you knew where your things were, why haven't you gone back to get them before now? Wait a second, यहाँ पर एक GR की key है। Oh, यहाँ पर भी कहने emitter था। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा हमें यहाँ पर land हुआ। अच्छा तो हमें जाना पड़ेगा पहले तो लुवान के लिए जूते ढूँढने के लिए। हमें shopping करनी है specially। ठीक है चलो, इस शहर से इस building के नीचे ही है। कहाँ पर है? अच्छा ये तो रहा।
चलो यहाँ पर बहुत सारे इनहिबिटर कंटेनर मिले जा रहे हैं. गिरना नहीं है एडी प्लीज. चलो बहुत बढ़िया, स्टैमिना ही खत्म हो गया था. अच्छा चलो यहाँ पर देखते पहले तो एक इनहिबिटर कंटेंट मिल रहा था. अरे हाँ अम्मा जी, अच्छा नीचे में शायद से. अच्छा चलो कोई ना, यहाँ पर लुवान इससे बात करते पहले तो. See that opening? Apartment 216. Go look for a large red box with gold trim. That's where I stored my shoes. Aren't you coming with me? You're why my shoes are ruined. You get me new ones. Go inside, take the shoes, and leave. And don't touch anything else. Got it? ओके okay, तो यहाँ पर लुवान बता रही है कि जा अंदर में, वहां पर एक रेड कलर का बॉक्स होगा, वहां पर उसके अंदर शूज है, वो लेके आओ. बट एक शर्त है, किसी भी चीज को छूना मत. अगर छुएंगे नहीं तो यार कैसे चलेगा. Fine, chicken. चलो देखते हैं यहाँ पर, ये है लुवान का घर. यहां से हमें नीचे जाना पड़ेगा पहले तो. चलो खोलते हैं दरवाजा को. ओके तो हम आ चुके हैं मे बी घर के अंदर ना रे. बस देख लेते हैं यहाँ पर. अच्छा ये इजीली खुल गया. I'm inside. Don't touch anything. Just get those shoes. What's in here that's got you so spooked? अगर यहाँ पर बताया जाए कि किसी भी चीज को छूना नहीं है तो सबसे पहले वही छुएंगे. बिकॉज ऐसी चीज जो हमसे छुपी रहे हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती. लड़कों के जूते. लुवान के घर पे लड़कों के जूते क्या कर रहे हैं? अलग सी जगह है भाई. Cool. रेडियो. Wonder if it works. ना चलता नहीं है. Our mixtape. Love Luwan. And not like the one I know. ये लुवान की लव लुवान है. ठीक है ऊपर चल के देखते हैं. यहाँ पर नीचे में सब कुछ तो ढूंढ लिया हमने. देखते हैं यहाँ पर. अच्छा ये देखो यहाँ पर इस जगह के पीछे में कुछ तो है. ठीक है चलो यहाँ से झुक के चला जाए. खोलते हैं फटाफट से. लुवान, you look almost. ये फ्रैंक है. Almost happy. तो क्या फ्रैंक उसका पुराना बॉयफ्रेंड है जैसे कि हम स्टार्टिंग से शो मतलब सोचते आ रहे हैं? आई डोंट नो. देखते हैं. मुझे तो वैसा ही लग रहा है कि फ्रैंक उसका पुराना बॉयफ्रेंड हो सकता है या फिर अभी का करंट बॉयफ्रेंड हो सकता है. ठीक है. Why'd you ditch it for that den at the fish eye? Because that den is my home. I took all I needed with me. Except for the shoes, that is. अच्छा देखो लुवान ने ये सारी चीजें छोड़कर सीधे सीधे कैंटीन के अंदर रहने चली गई. बट यार इतना बढ़िया सा घर छोड़कर, इतना बड़ा सा घर छोड़कर लुवान वहां पर क्यों शिफ्ट हो गई थी? ठीक है चलो यहाँ पर हमें बिस्तर. Spend a lot of time here. तो यहाँ पर देखकर एडिन को पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा टाइम लुवान ने यहाँ पर स्पेंड कर रहा है किसी के साथ. ये चलो इसको खोलते हैं. यहाँ से इनहिबिटर लिया जाए. एक ओ तीन मिल गए भाई. आपको तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पर तीन मिल गए. अच्छा चलो यहाँ पर फटाफट से अपनी स्टेमिना बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ कॉम्बैट पॉइंट भी मिला है. तो इस कॉम्बैट पॉइंट का अच्छी तरीके से यूज करके किसी एक चीज के ऊपर लगाया जाए. तो ये वाला कौन सा है? अच्छा ये वाला भी स्काई से डाइव करके मारना ही है. ये वाला नहीं चाहिए. ये वाला या फिर ये वाला. ये वाला तो सबसे बेस्ट था बट ठीक है मैं सोच रहा हूं कि ये वाला लूं. ठीक है चलो ये वाला मैंने एक्टिवेट कर दिया है. ज्यादातर मैं इसका यूज ही नहीं कर रहा हूं बट ठीक है इस बार एडिन को तकलीफ नहीं हुई. तो चलो वहां पर कुछ तो है.
शराब की बोतल Vintage 2025 Small fortune in these bottles. अच्छा यहाँ पर और कुछ एक वेपन है नहीं एरो है भाई एक बो मिली मुझे वैसे लुवान ने मुझे यहाँ पर देखने के लिए मना करा है पर ठीक है तो चलो यहाँ पर मुझे रेड बॉक्स मिल गया इस शूज का Hey, Luan, मिल गए शूज शूज ग्रेट नाउ गेट द फक आउट ऑफ देयर But it's quite the love nest with the wine and the view and the music. I mean, I'm starting to see a whole new Luan here. And you know what? एक फोटो भी था वहां पर. Whoever he was for liking her. Fuck you, Aiden. I didn't Luan, wait. What? Luan? Hakon. Oh, you bastard. तब भी मैं सोचूं ये लुवान हैकोन के पीछे क्यों पड़ी है? Love alters not with his brief hours and weeks. But bears it out, even to the edge of doom. Shit, Luan! तब भी मैं समझू कि लुवान मतलब हैकॉन लुवान के हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे क्यों है? हैकॉन ने लुवान को धोखा दिया है. But मुझे बताना पड़ेगा पहले तो मतलब बताना नहीं यार लुवान को मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा हैकॉन ने क्या करा है. चलो फटाफट से पहले शूज देख के आते हैं ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना जगह भी बेस्ट है यार चलो बहुत बढ़िया फाइनली आ चुके हैं और लुवान यहां पर नहीं है Luan, क्या लुवान को कम ऑन आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स जस्ट मीट मी ऑन माय रूफटॉप Get there and wait for me. You can give me the shoes and then fuck off. It figures you'd end up at the place you go when you're pissed off. मुझे ये जो शूज है लुवान को लौटाने तो ही बट मुझे उससे जवाब भी चाहिए हैकॉन उसका सच में एक बॉयफ्रेंड था चलो बहुत बढ़िया तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लुवान के घर के टॉप पे अब यहाँ पर फटाफट से लुवान से बात करते हैं बट लुवान यहाँ पर नहीं है एक टेप मिली है ठीक है चलो इसका वेट करा जाए वो आने वाली थी मुझे जवाब चाहिए अब थोड़ा सा वेट बिकॉज मैं थोड़ा सा शॉक हूं बिकॉज लुवान का बॉयफ्रेंड है कौन था ये मिल जो बिल्कुल नहीं पता था यार एक्सपेक्ट भी नहीं था मुझे लगा प्रैंक था Here, I got your sneakers. You should also have this. I didn't realize you and Hakon had been together. Why do you think he's so high on my hit list? Yeah, that makes sense. Just because someone reads poetry doesn't mean they don't deserve to die. Did you guys break up because he abandoned Frank, or did he abandon Frank because you broke up? There's really no point in analyzing that now, Aiden. Whatever happened, it was a mistake, okay? I should have never been so naive. That's why I didn't want you snooping around. For fuck's sake, you could have just respected that. I'm sorry. Forget we went there. Just leave me alone. लुवान सैड हो गई अब हमें उसके साथ रहना पड़ेगा बिकॉज मुझे पता है थोड़ा सा लगता है यार कभी कभार बट ठीक है Booze. Yeah, such an original way to cope with your loss. Wait a minute. I think I know someone else who does it. You wouldn't know him by any chance. You suck at being sarcastic. I'm facing tough competition here. At least you're not crying anymore. I wasn't crying. Yeah, something got in your eye. I'm glad it's out now. Shut the fuck up, Aiden.
I will, if you let me have some of Frank's medicine. Fine. Stick around if you have to, but don't interrupt me. I'm busy. Getting drunk? No, you dork. Looking at the stars. Hey, I can see the Big Dipper. Aren't you brilliant? Except that's not the Big Dipper. Oh, whoops. It was worth a try, though. You know any other constellations? Yeah. Frank taught me a lot about the night sky back in the day. We were building the fisheye, and I'd climb the scaffolding all the way up to the roof. Frank would come up to tell me it's too cold, too late, and whatnot. But he always ended up telling stories for hours and hours. And I love to listen. The stars are so clear and seem close enough. You could grab them by the balls. Frank's way of putting it. Nice, huh? What about you, Aiden? And what about me? Do pilgrims get their hearts broken? लुवान हमसे पूछ रही है कि एडिन तुम एक पिलग्रम हो तो पिलग्रम का कभी हार्ट ब्रेक होता है तो इसको क्या बताए मुझे समझ नहीं आ रहा है well I'm we tend to just forget it wow the shy type looks like your constellation is Cygnus see whatness there look The swan. When I stargaze, I always find the swan first. You're making all this up to impress me. Maybe. Maybe not. Are you impressed? Pretty much. अच्छा चलो, थोड़ा सा सो लेते हैं और अगली की तैयारी करते हैं। Let's get some sleep. Aiden, if I see Hakon, I'm gonna kill him. Simple as that. Don't try to stop me. It's fine. But you know revenge doesn't make you feel better. This isn't for me. It's for Frank. I will avenge everyone who died that night. A lot of stars winked out forever. Hakon talks big. But when it came down to it, he bailed on his friends and they died. He showed his real face. Fucking coward. अच्छा देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही है और ये देखो ये पूरे फीलिंग्स के साथ हो रही है ऐसे नहीं कि आपसे मारा जा रहा है तुक्का वगैरह ऐसे कुछ नहीं है लुवान का दिल टूटा हुआ है हैकॉन ने उसका दिल तोड़ा है और उसने फ्रैंक को भी धोखा दिया है तो ये समझ सकते हो अगर मेरे सामने भी ऐसा कुछ होता है तो मैं उसका गर्दन मोड़ देता बट ठीक है लुवान ने हमें बता दिया है कि अगर मैं उसको मारने जाती हूँ या फिर मैं हैकॉन को मारती हूँ तो तुम प्लीज हमारे बीच में बताना ऐसा सेम मैंने तुम्हें बताया और फ्रैंक को भी बताया चलो यू कैन't टर्न बैक द क्लॉक ट्रू बट आई कैन स्टॉप हिज फकिंग क्लॉक एंड आई फकिंग विल या गुड नाइट एडन तो चलो थोड़ी सी और नींद ली जाए और सुबह में हमें बहुत सारे काम Good morning, Villador. It's a brand new day, a brand new world. This is your friend Frank broadcasting. Yes, that's right, broadcasting from the fisheye. From now on, I'll be bringing you all the good news from around Villador, helping transform this city back into the community it once was. Luan? Hey, Luan, you there? Right, folks. Let's start this new chapter with some inspirational music for you. Aiden, you there? Come to the canteen. No offense, Frank, but I really don't have any more time for you. Matt was gonna help me find my sister, but I gave the tower to you instead, and now I'm fucked. Calm down. Come to the fisheye and we'll talk. I might have an idea. I want to help you, Aiden. Fine. Be there soon. अच्छा चलो हमारा जो है अभी न्यू केस अनलॉक हो चुका है नाइट रनर्स
और हमारे पास पार्कौर का और एक पॉइंट आ चुका है, तो मैं सबसे पहले वो वाला पॉइंट अनलॉक करना चाहता हूँ जिससे हम अच्छी तरीके से भाग सकते। ये कोना मार के भाई ये कोना मार के हम भाग सकते, ये वाली प्राइस मतलब ये वाला स्किल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। चलो फाइनली हमें जो है फ्रैंक ने कॉल किया था और फ्रैंक बोला कि कैंटीन के अंदर कैंटीन के पास मिलो मुझे, हम बात करनी है। तो ठीक है हम कैंटीन के पास जा रहे हैं अभी फ्रैंक से बात करने के लिए, बिकॉज एडिन ने कोई भी कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, बस फ्रैंक की मदद कर दी उसको, स्पेशली ये चीज़ देकर, ये एंटीना वगैरह ट्रांसमिशन वगैरह रेडियो देकर, ये वाली चीज़ देखकर थोड़ी सी मदद कर दी है। तो फ्रैंक भी बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है, तुम फिशाई के पास आओ। तो हम वही जा रहे हैं फिशाई के पास उसकी मदद करने के लिए। चलो फ्रैंक से मिला जाए। This is Frank on Radio Free Villador. Your neighbor, your city, once more and forevermore. Signing off. Talk to me, Frank. Look, we started off on the wrong foot. I'd like to correct that mistake. Have a drink. Yeah? For me. Frank, I really don't have time for this. I have to find another way to find my... Just listen. Walt needs to access that Yori place. You get it? That's why we have to find that pilgrim. He's offering a lot of fucking crystals for what he's got. And a lot of boosters. Do I have your attention now? With those? Renegades, yes. But how did you... The TV station used to be controlled by the military. They did more than just broadcast from there. Thanks to you, we can now listen in on the enemy. It appears that Waltz is looking for the same database you're after. But the observatory is completely soaked with chemicals. I have no idea how this GRE crap works, but Waltz sure seems to know. Maybe the observatory is not the only place to access the database. Is this conversation all you have? For now. But if we got close to their position and hacked into their frequency, we could collect more intel on Watts' plans. How? The transmission you heard was intercepted near an old military antenna in the wharf, just south of Marsh End Lane. If we activate that antenna, it'll boost the signal and we'll be able to hear everything they say, every syllable. And you'd know exactly what Waltz is up to. अच्छा देखो यहाँ पर वॉल्ट जो है, जो जीआरई फैसिलिटी हम ढूंढ रहे हैं, वही जीआरई फैसिलिटी वॉल्ट भी ढूंढ रहा है। बट जिस जीआरई फैसिलिटी के अंदर एडिन जा चुका था, वहां पर पूरी जगह पे केमिकल है। तो फ्रैंक वही बोल रहा था कि सिर्फ वहां से ऊपर से ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, अंदर में क्या पता। और कौन सी फैसिलिटी है ये भी हमें ढूंढने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है चलो पहले इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। Anything else before I get going? Oh, one more thing. Look at that poster, Aiden. Nightrunners used to abide by that creed, live by it. I used to think we were as torn apart as that piece of paper, but the creed still means something. And if you increase the range, I can contact the remnants of the old Nightrunners. Some must still be alive. I see it now. This means a lot to you, doesn't it? Not just me. To everyone here. But there's one piece missing. Do you know why I haven't thrown this poster away in all this time? Because of Luan. When I saw her for the first time, she was maybe, what, 8, 9 years old. She was barely alive. She looked like she hadn't eaten in a year. And she was trying to help some kids get a crystal back from a thief. The guy was threatening them with a knife. He was twice their size, stronger, and she jumped on him. Bit his hands so deep that his screams were heard as far away as Old Villador. After that, she gave the crystal to one of the boys and left. She didn't get anything out of it. She didn't have to risk it. I looked at her and thought, this is all we have left. As humans, we can fight one another. Everybody just for themselves. Or, no matter what,
we can stand up for each other. Then I wrote down this credo. That little girl helped the Night Runners become who they were for years. And if we are to be reborn, we cannot do it without her. अच्छा तो फ्रैंक ये बता रहा था कि लुआन बहुत छोटी थी, 808 या 9 साल की शायद से, या फिर 809 साल हुए थे उस चीज़ के लिए. तो एक बच्चे ने क्रिस्टल की मांग करी थी, तो लुआन बहुत छोटी थी बट फिर भी वो जॉम्बीज के बीच में जाकर उस क्रिस्टल को लेके आ गई बिकॉज उसके लिए स्पेशली. बट ये इसने फिक्र नहीं करी कि मुझे कुछ हो जाएगा या फिर कुछ होगा. वो कुछ सब कुछ छोड़कर उसने वो क्रिस्टल उसको ला के दिया. ठीक है चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इसकी मदद करते हैं. Then go get him. I'll be on the radio. You remind me of Luan before she became obsessed with that goddamn hit list of hers. I'll get ears on the Renegades for you. I'll find out what Waltz is up to. I promise. फ्रैंक के पास ये एक चार्ट भी है जिसके अंदर शायद से कुछ शपथ वगैरह हो सकती है फॉर नाइट रनर्स. बट ये चीज मुझे पहले बाद में कंफर्म होगा बिकॉज अभी फिलहाल के इसका आधा टुकड़ा अभी भी गायब है. तो अभी हमें शायद से जाना है उस ट्रांसमिशन को अपग्रेड करने के लिए शायद से. चलो यहाँ पर भी हम पहुँच चुके हैं इस ऑफिस के पास, देखते हैं यहाँ पर क्या है. एक्सपेक्टेड रेनेगेड थे यहाँ पर बहुत सारे. See, what was right? These fuckers were eavesdropping on us. तो ये प्लान था इन सब का. First him, then we'll get that GRE employee from the old Villador, and the boss will be over the moon. Where's Waltz? Waltz? We don't need Waltz to deal with you. Oh, good old Frank, so naive. Warning. अबे फिर से बुक्का मारेगा. Talking way too much. लग ही रहा था. दो मिनट रुको. यहाँ पर कुछ है ब्लास्ट करने के लिए. भागो. अरे, 2 मिनट रुको भैया जी, 2 मिनट रुको. अच्छा चलो 2 मिनट रुको जाओ. शिट, ये मार ही देगा. दोनों को मैंने मार तो दिया है. ठीक है चलो ये आखिरी बचा है. और भी आ रहे हैं. अरे बाप रे, यहां पर तो पूरी फौज आ गई. चलते रहो. अरे यार ये कौन मारे जा रहा है. ये आते ही जा रहे थे यार, बहुत ज्यादा आते जा रहे. अब शायद से हेड इन टर्न हो गया है. आई एडी ने सबको मार दिया ज़ॉम्बी बनकर. अब ये एडी के हाथ में आ चुका है. बट फिर भी यार एडी थोड़ा सा हो ही जाता है यार, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रेनेगेड्स हैं और एडी ने इनको चुटकियों में सबको पेल दिया. फ्रैंक, एडी, you all right? I think so. Yeah, Waltz wasn't here. And they know we're eavesdropping on them. I know. You know? Someone tried to tip me off, but the warning came too late. Are you sure you're okay? Yeah, my infection just flared up. The Renegades were talking about some GRE doctor from the bazaar. Waltz is looking for him too. Former GRE and old Villador? I'll look into it. Who tried to tip you off? Well, that's the strangest part. It was Hakon.
He wants to meet with you. I wasn't aware the two of you had met. Anything I should know? It's a long story. Why doesn't that surprise me? I thought he left the city. Well, he's still kicking, and he'll be waiting for you at the church on St. Paul Island. He's got the goods on Waltz. And hell, maybe you know something about Luan, too. ठीक है, तो फ्रैंक हमें बता रहा था कि उसको एक टीप मिली थी जिसके बारे में इसको पता चल गया और वो यहाँ पर ही आने वाला था, मतलब फ्रैंक ही यहाँ पर आने वाला था और वो टीप देने वाला और कोई नहीं, हैको नहीं था, और हैको ने इसको टीप दी कि यहाँ पर ये पूरी चाल है रेनेगेट्स ने रखी हुई और वहाँ पर वॉल्ट्स नहीं है। ठीक हैकॉन हमसे बात करने की कोशिश करने वाला है, तो हमें वैसे भी बाजार की तरफ जाने वाले हैं, तो हैकॉन से बात करके जाएंगे। I'll go meet with Hakon, Frank. You try and find out what happened to Luan. Just remember, they're listening to you too. Will do, Aiden. Be careful. Who knows what Hakon is up to? I'm going back to the fisheye. Good luck. फाइनली हमारा जो ये वाला भी मिशन कंप्लीट हो चुका है, हमने जो है लगभग सारे एंटीनास को मीटअप कर दिया है और शायद से हैकॉन यहाँ पर ही है? एक मिनट, हैकॉन यहाँ पर आया है, एक मिनट, हैकॉन से मिलकर ही जाएंगे फिर तो। मुझे वैसे भी एक घूसा मारना था उसको और रात हो चुकी है, वाओ। इधर है हैकॉन, हैकॉन ज़्यादा दूर है, ठीक है चलो कोई ना। तो यार बहुत मज़ेदार था आज का एपिसोड, हमने लगभग पूरी बिल्डिंग को चढ़ लिया, बहुत सारे गुंडों से पिटाई करी और थोड़े बहुत चकमा देकर सारी चीज़ें भी हो गई है, बट आज के गेम प्ले में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आप लोगों को भी ये मज़ा आया होगा तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।